क्लास टेंथ के सर्कल वाले चैप्टर से एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी है। कुल मिला करके इस क्वेश्चन का एक ही गेम है जो आपको समझ में आना चाहिए कि आप रेडियस 5 दे रखा है और ये कॉर्ड दे रखा है जो कि 8 है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसमें आपको 3 राइट ट्राइंगल देखने आना चाहिए। पहला राइट ट्राइंगल जो है वो आपका है ट्राइंगल TPO, आई गेस कि आपको दिख रहा होगा। दूसरा राइट ट्राइंगल जो है वो है आपका PRO, और जो तीसरा राइट ट्राइंगल है वो है आपका PRT। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आइए मुद्दे पर आते हैं। राइट ट्राइंगल PRO की बात कर रहा हूं, PRO आपको दिख रहा है, उसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो है आपका क्या PO, और बेस जो है वो क्या है RO। RO को मैंने शुरू में x मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज PO स्क्वायर इक्वल्स PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। PO दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, PR दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, RO नहीं दिया हुआ है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बोलेगा सर इसका आंसर 3 होगा, यानी ये बेस जो है ये 3 निकल गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम PRT की बात करें, एक ट्राइंगल PRT, तो PRT में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज TP हो जाएगा, तो TP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, TP स्क्वायर। PR जो है वो कितना है 4 का स्क्वायर, TR का स्क्वायर, और TP स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस TR स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, TPO बोल लीजिए या TPO नहीं, तो TO का स्क्वायर, TO ये पूरा हो गया, तो इस पूरा को TR और ये जो है X वाला पार्ट है, ये तो 3 आपने निकाल लिया था ना यहाँ से, वो चीज TR प्लस RO का स्क्वायर TP स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर, TR प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इक्वल्स TP स्क्वायर प्लस 25, TP स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये 25 इस तरफ आ जाएगा, तो ये TR स्क्वायर 2 × 3 6 TR, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25, TP स्क्वायर इक्वल्स TR स्क्वायर प्लस 6 TR माइनस 16। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 यहाँ रहा, इक्वेशन 2 यहाँ रहा, उसको इक्वेट कर दिया, ये TR कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 TR इक्वल 16 प्लस 16, TR इक्वल 32/6, यानी ये 2 से कट गया तो 16/3 TR आ गया। अब इस TR की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, जो आपका TP निकालना है वो निकल जाएगा, पुटिंग TR इक्वल 16/3 इन इक्वेशन 1, तो TP स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 16 प्लस TR स्क्वायर, और उसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व होकर ये कितना गया 20/3 cm। ये डील है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, पूछ सकता है इस साल। और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, ये 3 जो है वो रिपीटेडली पूछते हैं, और इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 2, ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पे जिस बच्चे की पकड़ है उसको पूरा नंबर आ जाएगा इस टॉपिक से।